स्वागत है आपका होम शेफ डायरी के नए रेसिपी में। आज हम बनाने वाले हैं आलू पराठा, लेकिन इसे बनाने का तरीका बिल्कुल अलग है। इस तरह से आलू पराठा बनाओगे तो आपको स्टफिंग भरने की भी जरूरत नहीं और पराठा फटकर स्टफिंग बाहर आने का भी टेंशन नहीं। तो पहले हम मिर्च और अदरक को सूखा मिक्सर में पीस लेंगे। अभी पैन में तेल गरम कर लेंगे और उसमें जीरा डालेंगे। जीरा सुनहरा होते ही इसमें मिर्च और अदरक का ठेसा डालेंगे। इसे हमें धीमी आंच पर भूनना है। उसके बाद अभी हम डालेंगे हल्दी पाउडर और जस्ट आधे मिनट के लिए भून लेंगे। और गैस बंद कर लेंगे। तो चलो अभी हम बनाना शुरू करते हैं आलू पराठे का मिक्सचर। उसके लिए एक बाउल में मैश किए उबले आलू लेंगे और उसमें आटा डालेंगे। आटा हमें आलू के आधा लेना है। उसके बाद मिर्च अदरक का भुना ठेचा, बारीक कटा धनिया, आमचूर पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला पाउडर, नमक, बारीक कटा प्याज और तेल डालकर सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे गूंद लेंगे। यही खासियत है इस आलू के पराठे की। ना ही हमें स्टफिंग अलग से बनानी है, ना अलग से आटा गूंदना है। इससे हमें स्टफिंग आटे में भरकर ध्यान से बेलने का टेंशन भी खत्म। अभी हम पराठा बनाने के लिए गूंदे आटे से गोले तोड़ लेंगे। आलू पराठा बनाने के लिए कभी भी नए आलू ना ले, क्योंकि नए आलू उबलने के बाद बहुत पिलपिले हो जाते हैं और ऐसे आलू से स्टफिंग की कोई भी रेसिपी अच्छी नहीं बनती। तो अभी हम इन्हें बेल लेते हैं। पहले गोले को थोड़ा सा आटा लगा लेंगे और इससे ना ही मोटे और ना ही ज्यादा पतले मीडियम साइज के पराठे बेल लेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को प्लीज अभी लाइक करें, क्योंकि आप हमारा वीडियो तो पूरा देख लेते हो लेकिन लाइक करना भूल जाते हो, तो प्लीज अभी लाइक कीजिए। तो चलो अभी आई सेकने की बारी। उसके लिए पैन को गरम कर उस पर घी डालेंगे और घी थोड़ा सा गरम होते ही उस पर हमारा बेला पराठा रखेंगे। पराठे को एक मिनट के लिए सेक कर उस पर घी डालेंगे। और पलट लेंगे। और वापस ऊपर से घी डालकर पराठे को सेक लेंगे। और पलट लेंगे। और फिर से घी डालेंगे। पराठे में तो घी थोड़ा ज्यादा ही लगता है, घी के बिना पराठा अधूरा है। वाह, कितना बढ़िया दिख रहा है हमारा आलू पराठा और खाने में भी बहुत बढ़िया लगने वाला है। तो इस बढ़िया पराठे के लिए साथ में बढ़िया सी हरी चटनी भी बना लेते हैं। उसके लिए हरा धनिया, हरी मिर्च,
इमली, प्याज, नमक डालकर थोड़े से पानी के साथ पीस लेंगे। आप चाहो तो थोड़ी चीनी भी इसमें डाल सकते हो। वाह, क्या कलर आया है हमारे हरी चटनी का। और अभी खाने के लिए तैयार है हमारे आलू पराठे इस बढ़िया सी हरी चटनी के साथ। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तभी तक के लिए बाय।